प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 मैथ वर्कशीट 8 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पर चर्चा करते हैं और उसी की वर्कशीट को पूरा करने के लिए चर्चा करते हैं कि हम इनको कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, चर क्या होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि 9th क्लास में और पहली वीडियोस में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि चर क्या होते हैं। चर से मतलब होता है एक ऐसी संख्या, ऐसा बीजांक जिसका मान निश्चित ना हो और वो परिवर्तन होता रहता हो, वो चेंज होता रहता हो, हम उसको चर कहते हैं। जो चर का मतलब है चलता रहता हो, बदलता रहता हो, और जो चलता ना हो उसको हम अचर कहते हैं, वो कॉन्स्टेंट होता है, वो बदलता नहीं। तो चर की बात जहाँ तक आती है कि हम उसके अलग अलग मान ले सकते हैं। यदि हम चर की बात करें यहाँ पर और चर को कह दें कि ये एक एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, ये सारे जो एल्जेब्रिक नंबर से हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम चर कह देते हैं। इस तरह के बीजिया अंक इनको हम कह देते हैं, वेरिएबल इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारी चर है। यहाँ क्या है, एक्स कुछ भी हो सकता है। अब एक्स यहाँ मान लो तुम एज, तो किसी बच्चे की एज 10 साल हो सकती है, किसी बुजुर्ग की एज 80 साल हो सकती है। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं, इनको इसलिए चर कहते हैं। फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो यदि हमारे पास रैखिक समीकरण में को हम एक यदि यहाँ हमारे पास इस तरह से कुछ लिखा हो, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बहुपद। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो लेकिन घात एक हो, और उसके साथ साथ यदि ये बराबर के निशान के साथ 0 आ जाए तो हम इसको समीकरण कहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड समीकरण है जिसमें दो चर तो हैं और बहुपद है। बहुपद से ही हमें बहु समीकरण बनी है। बहुपद को बराबर 0 करके लिख दिया तो ये समीकरण बन गई। अब ये समीकरण हमारे पास दो चर हैं एक्स और वाई, और ये एक स्टैंडर्ड समीकरण कहलाती है। इस समीकरण के आधार पर यहाँ ए बी सी जो है वो अचर हैं और एक्स और वाई चर हैं। अब यहाँ आता है कि हम किसी भी रेखा को, किसी भी लाइन को यदि ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इस स्थिति को आलेख रूप से व्यक्त कीजिए। हल माना लड़कियों की संख्या एक्स, लड़कों की संख्या वाई, तो दोनों का योग जो है वो 10 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। लेकिन शर्त दूसरी बता दी गई कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब इसको ग्राफ पे बनाना है। ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं, ग्राफ पर ये कर चुके हैं। फिर भी यदि हम यहाँ कहते हैं कि एक समीकरण हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, और एक कह रहे हैं कि यदि हम लड़कियों की संख्या को एक्स लेते हैं तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई प्लस 4, मीन्स इसको हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और ये समीकरण 1 लिख सकते हैं। यदि हम इसी तरह से यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये दो समीकरण आ गई और दोनों को हमें ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए ऑलरेडी वीडियोज में, पहली वीडियोज में हम ये बना चुके हैं। वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए, सॉरी, ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो भी समीकरण हमारे पास है उसका ग्राफ जिसका हमें बनाना है उसको इस तरह से बदल देते हैं, और यहाँ से हमें एक तालिका बनती है जिसमें हमें एक्स वाई के मानों को निकालना होता है। यदि एक्स को 0 ले लेते हैं वाई 10 आ जाएगा, यदि एक्स को 10 ले लें तो ये 0 आ जाएगा, यदि ये 5 ले लें तो ये भी 5 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण हमारे पास है एक्स बराबर वाई प्लस 4, इसके लिए भी एक समीकरण बनाएंगे। यहाँ एक्स को वाई को 0 ले लो तो ये 4, सॉरी, वाई को 0 ले लो तो एक्स 4 हो जाएगा। यदि वाई को 2 लेते हो या 5 लेते हो तो ये 9 हो जाएगा, एक्स 9।
एक्स नाइन वाई फाइव, यदि टू लेते हो वाई को तो ये सिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ एक्स और वाई में भी एक दूसरी समीकरण के लिए भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक मिल जाएंगे, तालिका बंद मिल जाएगी और उससे हम ग्राफ शीट पर ग्राफ बना सकते हैं। इसको और डीप में समझने के लिए हमारी इस चैप्टर की जो वीडियो है उदय सिंह क्लासेस के नाम से चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले युग रैखिक समीकरणों का युग, उसको एक बार देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने एक दो क्वेश्चन लिए हैं जिनको ग्राफ खींचा गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है उपरोक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख में आदित्य हल के लिए एक्स और वाई के मान क्या है। तो जो ग्राफ दिखाया गया और जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहीं भी जहां कर रही हैं, उसमें कहीं इनके पॉइंट जो हैं वो दिखाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो 7, 3। तो यहां इसके जो निर्देशांक हैं, इसके जो आदित्य हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, उसकी जो वैल्यूज है वो 7 और 3 है। एक्स बराबर 7, वाई इक्वल टू 3। दूसरी क्वेश्चन में कहा गया समीकरण y माइनस एक्स बराबर 2 का आलेख ज्यामिति रूप से एक रेखा को निरूपित करता है, सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है। तो सरल रेखा कहाँ है, ये सीधी रेखा जो हमारे पास आ रही है उसी के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 यदि समीकरण है तो वो एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसका पहला क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर लिखोगे तो 7, 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखोगे तो सरल रेखा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन क्या होगी। नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम एक दिन में 240 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया, आलेखित ग्राफ रूप में इसे निरूपित कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यदि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ पर इसको सबसे पहले तो हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, तो यहाँ माना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, माना 1 किलो क्या क्या फल हैं, सेब और अंगूर, सेब का मूल्य बराबर x रुपये और फिर हम कहेंगे 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपीज होगा। अब यदि 1 किलो का मूल्य हमने x ले लिया सेब का और 1 किलो अंगूर का मूल्य ले लिया y, तो इसने कहा है कि 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर हैं, तो यहाँ शर्त हो जाएगी 2x बराबर y बराबर 240। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरे में कहा गया है कि उसमें 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 500 रुपये हो गया, तो दूसरी समीकरण बनेगी 4x + 2y = 500 रुपये। अब उसने कहा है कि इसको ग्राफ पे बनाइए। ग्राफ पे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ पे बनाने के लिए दोनों समीकरण के आपको तालिका बनानी पड़ेगी, फिर ग्राफ पेपर पर उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको आप समझ लेंगे। सबसे पहले पहली समीकरण के लिए हम देंगे कि 2x + y = 240 है, तो y बराबर क्या होगा, 240 - 2x होगा। यहाँ से हम एक तालिका बनाएंगे और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो सेल है उसकी कीमत क्या होगी, लगभग उसको हम 10, 20, 50, 100 रुपये मान लें, तो क्योंकि 1-2 रुपये में तो आएगा नहीं सेब 1 किलो, तो यहाँ हम ऐसी संख्या को लें जिसमें दोनों अंगूर और सेब के रेट आजकल मार्केट में चल रहे हैं। यदि सेब का मूल्य हम ले लें कि 50 रुपये किलो था,
तो 50 को यहाँ रखेंगे, 50 दूनी 100, 200 हो गया। जब ये 250 का 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 240 में 100 घटाएंगे। अब कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं। चलो y बराबर 240 माइनस 2 गुना 50 है, तो क्या करेंगे 240 माइनस 100 बराबर 140, तो यहाँ 140 आ गया। यदि हम यहाँ 75 कर देते हैं तो यहाँ क्या आएगा, y बराबर 240 माइनस 2 गुना 75, 240 माइनस 150, अब यहाँ क्या आएगा 90 आ जाएगा, तो ये 90 हो गया। यदि हम यहाँ 100 ले लें तो क्या होगा, 240 माइनस 2 गुना 100, तो 240 माइनस 200 बराबर 40, तो ये 40 हो गया। अब ये हमारे पास पहली तालिका के लिए पहली समीकरण के तालिका बन गई। ऐसे हम दूसरी समीकरण के ले लेंगे, तो दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, इसको भी ले लेता है, ये 4x plus 2y equal to 500। लेकिन यहाँ दो कॉमन है, अभी देखो दो से सब भाग हो सकता है, तो दो से भाग करें तो क्या आएगा, 2x plus y बराबर 250 हो जाएगा। y को इधर रखें और 250 माइनस 2x कर दें, फिर इसकी एक तालिका बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ फिर हम x और ये y ले लें, जैसे हमने 50 75 100 लिया, मान लेते हैं ये 50 75 और 100 फिर ले लेते हैं, तो यहाँ यदि हम 50 रखते हैं तो क्या होगा, जैसा कि 50 गुना 200 होता है और 250 में से 100 घटाएंगे तो ये 150 हो जाएगा। यदि हम 75 रखते हैं तो 150 हो जाएगा, 250 माइनस 150 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यदि यहाँ 100 करते हैं तो 200 माइनस 200 ये 50 हो जाएगा। जैसे हमने ये किया था वैसे ही इसको भी कर दिया। अब हमारे पास जो तालिका बनी दोनों, उनको हमें ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर चाहिए, फिर स्केल चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे पैमाना, माना पैमाना हम क्या लेंगे, एक बॉक्स जो होगा बराबर। अब यदि 100 तक संख्या ले जानी है हमें तो क्या करेंगे भाई, या तो 10-10 का अंतर ले ले, या 25-25 का अंतर ले ले, या 20-20 का ले ले। अब यहाँ हमने 50-75-100 लिया है, यहाँ भी आपके पास उसी तरह से रेशियो आ गई। यदि आप इसमें यहाँ 140 आ रहा है या 150 आ रहा है तो क्या करेंगे आप, इसमें आप हमारे पास ग्राफ शीट पे 150 या 140 तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, या तो 10 के मल्टीपल ले लेंगे तो सब, या 20 के मल्टीपल ले लें, या 25 के मल्टीपल ले लें। तो एक बॉक्स बराबर यदि हम यहाँ लेते हैं 10, तो हमें 15 बॉक्स चाहिए। यदि 20 लेते हैं तो कम से कम हमें 7-8 बॉक्स चाहिए, तो हम इसको 20 रुपए ले लेते हैं, एक बॉक्स बराबर 20 रुपए, ₹20, क्योंकि ये सारे कीमत है, मूल्य है सेब का और अंगूर का, तो ये रुपयों में आ रहा है सब कुछ, तो हमने यहाँ रुपए में नोट कर दिया। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पे देखो ये दोनों सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव को बनाने के लिए ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं, जिसमें ये ओरिजिन है, जीरो मूल है, यहाँ एक्स एक्स ले रहे हैं हम, ये वाई ले रहे हैं, जो एक्स होगी तो यहाँ लेंगे, वाई है तो यहाँ लेंगे। अब यहाँ हमें कितने बॉक्स बनाने, कम से कम यहाँ यदि इसको 20-20 का अंतर लेते हैं तो 8 बॉक्स यहाँ बनाने पड़ेंगे, तो हम लेना ही पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 20, यहाँ 40, यहाँ 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ऐसे यहाँ हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ क्या होगा 20, या 40, या 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, इस तरह से हम इनको लिख लेते। ये क्या है, ये भी यहाँ सेब का मूल्य हो जाएगा x अक्ष पर, y अक्ष पर अंगूर का मूल्य हो जाएगा।
तो पहला हमारे पास अंक क्या है, यदि हम पहली समीकरण ये ले लेते हैं तो 50 एक्स पे 50 तो यहाँ बीच में आएगा, 50 हो गया और ये 140 है, तो 140 का आ जाएगा ये। तो यहाँ 150 से और 140 तक हमें देखना है ग्राफ शीट पर हमारे पास जो लाइन आएगी वो किस तरह से आएगी। ग्राफ शीट पर तो हमारे पास डॉट डॉट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ तो हमारे पास है नहीं तो हमें तो लगाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें ध्यान में देना है कि हमें किस तरह से ग्राफ को खींचना है। दूसरा दूसरा जो मान है वो हमारे पास 75 है, तो 75 का होगा 80 से कम है, 60 से ज़्यादा है, पहले तो 70 देखेंगे, 70 और 80 के बीच में कुछ आएगा तो बीच में आएगा इस तरह से। अब ये मान कितना है हमारे पास, देखेंगे कि हमारे पास ये जो संख्या है वो कितनी है, वो 90 है, तो 90 का आगे ये 80 और 100 के बीच में आएगी, तो यहाँ आएगा ये 90। ये निर्देशांक हमारे पास क्या थे, निर्देशांक ये थे 50 और 140, ये कितने हुए, ये हुए 75 और 90। तीसरा हमारे पास क्या है, 100 और 40, 100 पर 40 जाएंगे तो यहां देखेंगे कि ये 40 है इस तरह से और ये 100, तो 100 और 40। अब यहाँ इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे, स्केल रख करके मिलाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सीधी एक रेखा है। और ये कौन सी समीकरण के लिए आई, जो पहली समीकरण है हमारे पास वो है 2x + y = 240, पहला आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं दूसरी समीकरण के लिए, तो 50 तो ये था ही, अब 150 हो गया, 50 पे 150, 150 कहाँ होगा, 140 और 60 के बीच में कहीं होगा, तो यहां आ गया ये दूसरा पॉइंट। 75 पर कितना है, 75 पर 100 हो गया, 75 पर 100 हो जाएगा ये, और 100 पर 50 है, तो यहां देखोगे कि ये लाइन इसके समांतर आ रही है बिल्कुल सीधी, और इसके निर्देशांक हम ऊपर लिख देते हैं 50 पर, तो ये 150 हो गया, यहाँ 75 पर जो है 100 हो जाएगा, और तीसरा निर्देशांक है 100 पर ये 50 हो गया, और ये दूसरी जो समीकरण है ये वाली इसका भी लिख देते हैं ये इसके लिए, और ये पहली वाली ये हो। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हो। यहाँ आपके ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप अपनी वर्कशीट पे कंप्लीट कर लें।